हेलो एवरीवन, वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम एट दिस चैनल। तो हमारे जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR लॉन्च करने से मना कर दिया है। अभी उन्होंने कुछ टाइम मांगा है, दिल्ली पुलिस ने कुछ टाइम मांगा है कि अभी उसके खिलाफ पहले एक फर्स्ट इंक्वायरी किया जाए, उसके बाद जो है कि FIR लॉन्च किया जाए। और जो फेडरेशन अपना जो रेसलर्स हैं इंडिया के जो रेसलर हैं, जिन्होंने उनके खिलाफ FIR की अपील की हुई है, उन्होंने कोर्ट में भी अपना अपील किया हुआ है कि इनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। तो जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है इंडिया के तुषार मेहता जी, उन्होंने भी जो है कि कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि उनको कुछ टाइम दिया जाए इंक्वायरी का। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या प्रोसीजर है एक सेक्सुअल हरासमेंट या सेक्सुअल असॉल्ट के केस में FIR लॉन्च करने का, उनकी क्या क्या प्रोविजंस है जिसके थ्रू FIR लॉन्च किया जा सकता है। सो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, एज यू नो, अभी जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ जो हमारे जो टॉप रेसलर्स हैं इंडिया के, उन्होंने बहुत ही एक हीनियस एक क्राइम का वो दोषारोपण किया हुआ है। वो ये कि उनके वो जो है कि ब्रजभूषण जी जो रेसलर्स हैं, उनके साथ सेक्सुअल अफेयर्स उनका है, और जो है कि वो सेक्सुअली असोल्ट करते हैं इन रेसलर्स को। तो इसके ऊपर जो है कि दिल्ली पुलिस में जो रेसलर्स हैं, उन्होंने अपना FIR करने गई, तो दिल्ली पुलिस उनको FIR लॉन्च करने से भी मना कर रही है। वो बोल रही है कि अभी FIR पहले इनिशियल इंक्वायरी होगी, उसके बाद FIR लॉन्च किया जाएगा। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि हम जानेंगे अभी कि क्या क्या वो प्रोविजंस है जिसके द्वारा FIR लॉन्च किया जाता है। सो जो हमारा CRPC 1973 है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। सो अकॉर्डिंग टू CRPC 1973, इस एक्ट के द्वारा ये प्रोविजन है कि इसका सेक्शन 154 1, ये जो है कि मैंडेटरी प्रोवाइड करता है, ये फैसिलिटीज की जो भी मतलब कि विक्टिम है सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरासमेंट का, या भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेज फॉर ऑल द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो भी एक्यूज है उनके खिलाफ जो है कि ये मैंडेटरी है पुलिस ऑफिसर्स को टू लॉज एन एफ आई आर, मैंडेटरी है। पहला प्रोविजन ये हो गया। यदि यहाँ पे अब क्वेश्चन ये उठता है कि यदि पुलिस ऑफिसर जो है कि ये FIR लॉन्च करने से मना करता है, तो उस केस में क्या किया जाए। यदि पुलिस ऑफिसर FIR लॉन्च करने से मना करता है, तो उस केस में जो है कि उनके खिलाफ क्या क्या होना चाहिए। तो इसका जो है कि इसके ऊपर एक बर्मा कमेटी, बहुत ही फेमस कमेटी है, 2012 में बैठी थी, आफ्टर निर्भया केस दिल्ली। सो निर्भया केस दिल्ली में 2012 में जो घटना हुई थी गैंगरेप, उस गैंगरेप के बाद एक वर्मा कमेटी बैठी थी। वर्मा कमेटी ने ये रिकमेंड किया था, उन्होंने उसमें कुछ रिकमेंडेशन किया था कि यदि एक पुलिस ऑफिसर जो है कि सेक्सुअल असॉल्ट या हरासमेंट केस के विक्टिम्स का FIR लॉन्च करने से मना करता है, तो उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। अब वो पनिशमेंट मिलना चाहिए उन्होंने रिकमेंड किया, तो गवर्नमेंट ने उनके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया था, और उन्होंने फिर जो है कि एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 लाया था उस समय। तो उस लॉ के अकॉर्डिंग यदि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है कि कंप्लेन लॉन्च करने से मना कर रहा है, तो वैसे केस में पुलिस ऑफिसर्स के को जो मिनिमम 6 महीने की जेल और मैक्सिमम 2 साल की जेल हो सकती, साथ में फाइन भी हो सकता है। ये इस अमेंडमेंट लॉ के द्वारा उसमें प्रोविजंस दिया गया है। तो पहला तो यह है कि विक्टिम्स है वो दिया FIR लॉन्च करने,
ये स्पेशली जो है कि सेक्सुअल हरासमेंट सेक्सुअल असॉल्ट केस में है, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। इसके अलावा बाकी भी जितने कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, हर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए ये चीज़ें वैलिड है कि पुलिस ऑफिसर को FIR लॉन्च करना ही पड़ेगा। और ये भी जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वहाँ पे वारंट की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कि बिना वारंट पुलिस ऑफिसर जो है कि उस एक्यूज पर्सन को तुरंत अरेस्ट करके पहले कस्टडी में लेगा, उसके बाद जो है कि उसकी इंट्रोगेशन करेगा अपना। इंट्रोगेशन के बाद यदि उसको लगता है, कुछ एविडेंस के बेस पे लगता है कि एक्यूज पर्सन ने ये क्राइम किया हुआ है, तब तो वो उसका चार्जशीट बना के फिर जो है कि आगे उसको फर्दर कोर्ट में पेश कर देगी चार्जशीट को। नहीं तो यदि उसको लगता है कि नहीं इसने कुछ नहीं किया है, तो क्लोजर रिपोर्ट बना के वहीं पे केस को ख़त्म कर देगी। तो ये पुलिस ऑफिसर के पास ये सब पावर्स हैं और पुलिस ऑफिसर को ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस में अपना ये इंटरफेयर करना चाहिए। ये तो ये हो गया बर्मा कमेटी की रिपोर्ट। बर्मा कमेटी ने इसमें रिकमेंड किया कि ऐसे ऐसे केसेस मिलेंगे। चलिए और जानते हैं, यदि ये नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो ये जो अमेंडमेंट आया था, ये आपका CRPC का अमेंडमेंट, ये सेक्शन 166A को ऐड किया गया था। सेक्शन 166A को इस अमेंडमेंट के द्वारा, 2013 के अमेंडमेंट के द्वारा CRPC में ऐड किया गया था, इन CRPC, ठीक है। तो इसमें ऐड करके इस प्रोविजंस को लाया गया था। इसके अलावा दूसरा प्रोविजंस क्या है, इसके अलावा भी प्रोविजंस है कि यदि आपको पुलिस स्टेशन जाने पे आपको कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई FIR नहीं लॉज हो रहा, तो आप दूसरा जो है इसका प्रोविजंस है अंडर सेक्शन 154(3), अंडर सेक्शन 154(3) CRPC, आप सीधे जो है कि SP ऑफिस में जा सकते हैं। सीधे SP ऑफिस में जाके वहाँ पे अपना जो है कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं और फिर SP वहाँ से जो है कि उसको सर्कुलेट करके सबऑर्डिनेट्स के द्वारा इस आपको FIR को लॉन्च करवाएगा और उसके ऊपर एक्शन किया जाएगा। ये हो गया दूसरा तरीका FIR लॉन्च करने का, यदि एक स्टेप में नहीं होता है तो, यदि पुलिस स्टेशन नहीं हुआ तो। थर्ड प्रोसीजर क्या है, थर्ड है आपका जो है कि सेक्शन 156(1) क्या है, सीधे मजिस्ट्रेट के पास। आप सेक्शन 156(1) के थ्रू आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन कर सकते हैं सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट के केस में। दिस इज नॉट फॉर ओनली सेक्सुअल हरासमेंट एंड सेक्सुअल असॉल्ट केस, दिस इज फॉर ऑल द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस विच हैव बीन डिफाइंड अंडर द IPC 1860, जो हमारे IPC 1860 के थ्रू जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस डिक्लेयर किए गए हैं, या जो CRPC के थ्रू जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस डिक्लेयर किए गए हैं, उन सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को हम तीन तरीकों से FIR लॉन्च कर सकते हैं। पहला सेक्शन 154(1) के थ्रू जो पुलिस स्टेशन में जाकर लॉन्च करना होता है वहाँ पर नहीं हुआ, तो दूसरा 154(3) के थ्रू जो कि SP ऑफिस में जाकर लॉन्च होता है वहाँ पर नहीं हुआ, तीसरा 156(1) के थ्रू जो कि मजिस्ट्रेट के पास जाकर डायरेक्ट लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट के पास आप देंगे जाके अपना FIR लॉन्च करेंगे, तो वो एक FIR उसको माना जाएगा, फिर उसी के ऊपर जो है कि अपना केस में कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू हो जाती है, फिर वो वहाँ से फर्दर कोर्ट से सर्कुलेट होकर पुलिस स्टेशन आता है, फिर पुलिस स्टेशन में उनको एक ऑर्डर क्लियर दिया जाता है कि आप जो है केस की इंक्वायरी करें, इंक्वायरी के बेस में फिर पुलिस अपना चार्जशीट तैयार करती है, चार्जशीट तैयार करके फिर उसको कोर्ट में देगी, फिर कोर्ट उस चार्जशीट के बेस पर उसकी इंक्वायरी जो है कि इंट्रोगेशन कोर्ट अपनी तरह से जो है कि उसकी ट्रायल्स वगैरह करेगा, ट्रायल्स के बाद जो फाइंडिंग्स होगा फैक्ट और एविडेंस के बेस पे, उस फैक्ट और एविडेंस के बेस पे फिर जो कोर्ट उसका डिसीजन देती है। सो ये तरीके हैं FIR लॉन्च करने के कॉग्निजेबल केसेस में, पर्टिकुलरली द सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्सुअल हरासमेंट के केस में। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे कोई जो है कि एक FIR, कोई भी जो वुमेन है जो कि सेक्सुअली हरासमेंट फील कर रही है, जो सेक्सुअली असोल्टेड है, वो कैसे अपना कंप्लेन लॉन्च करेगी जाके पुलिस स्टेशन में या जो है कि मजिस्ट्रेट या SP ऑफिस में। सो ये था सारा प्रोसीजर। आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी अबाउट हाउ टू लॉन्च द FIR इन केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड सेक्सुअल असोल्ट केसेस। ओके, सो डियर व्यूअर्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।